जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बेसन डाल दिया गया है, इसी में हम अपना जैसे मिर्ची हो गई, तेल हो गया, पानी हो गया, सब कुछ इसी में डाल देते हैं और इस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या करती है, पूरा उसका डो एक ही बार में तैयार कर देती है। दोस्तों इसमें पानी डाल दिया गया है, तेल भी डाल दिया गया है, मसाले डाल दिए गए हैं इसमें, अब इसको मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों मशीन स्टार्ट हो गई है, अब इसमें जो भी हमने रॉ मटेरियल डाले थे वो सब कुछ इसमें डो तैयार हो जाएगा हमारा कुछ ही देर में। इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है एक घंटे में आपका ये लगा लेते 200 से 300 केजी डो तैयार करती है और एक बैच में 25 से 30 केजी डो तैयार करती है। अब मशीन चालू हो चुकी है, कुछ ही देर में 1 से 2 मिनट के अंदर इसका डो तैयार हो जाएगा। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं डो हमारा ऑलमोस्ट लगभग तैयार होने की कगार पर, थोड़ा सा टाइम और लगेगा 25-30 सेकंड और ये हमारा डो तैयार हो जाएगा। फिर इस डो को उठा कर निकाल करके सीधा हम एक्सट्रूडर मशीन में डालेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब ये सीधा तैयार है एक्सट्रूडर मशीन में जाने के लिए। अब इसको निकाल कर हम सीधा एक्सट्रूडर मशीन में डाल देंगे, जहाँ पर हमने जिस तरह की डाई लगाई हुई है उस तरह का नमकीन हमारा बनकर निकल जाएगा, तैयार हो जाएगा। दोस्तों मशीन हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसमें जो हमने डो तैयार किया था वो इसमें लगा दिया है और इसमें हमने तो सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं मलनी मशीन। इसमें क्या होता है, जो हमारी नमकीन मशीन होती है उसका डो इसमें तैयार किया जाता है, तो वो किस तरह से होता है वो आपको दिखाने वाले हैं हम। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बेसन डाल दिया गया है, इसी में हम अपना जैसे मिर्ची हो गई, तेल हो गया, पानी हो गया, सब कुछ इसी में डाल देते हैं और इस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या करती है, पूरा उसका डो एक ही बार में तैयार कर देती है। दोस्तों इसमें पानी डाल दिया गया है, तेल भी डाल दिया गया है, मसाले डाल दिए गए हैं इसमें, अब इसको मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों मशीन स्टार्ट हो गई है, अब इसमें जो भी हमने रॉ मटेरियल डाले थे वो सब कुछ इसमें डो तैयार हो जाएगा हमारा कुछ ही देर में। इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है एक घंटे में आपका ये लगा लेते 200 से 300 केजी डो तैयार करती है और एक बैच में 25 से 30 केजी डो तैयार करती है। अब मशीन चालू हो चुकी है, कुछ ही देर में 1 से 2 मिनट के अंदर इसका डो तैयार हो जाएगा। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं डो हमारा ऑलमोस्ट लगभग तैयार होने की कगार पर, थोड़ा सा टाइम और लगेगा 25-30 सेकंड और ये हमारा डो तैयार हो जाएगा। फिर इस डो को उठा कर निकाल करके सीधा हम एक्सट्रूडर मशीन में डालेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब ये सीधा तैयार है एक्सट्रूडर मशीन में जाने के लिए। अब इसको निकाल कर हम सीधा एक्सट्रूडर मशीन में डाल देंगे, जहाँ पर हमने जिस तरह की डाई लगाई हुई है उस तरह का नमकीन हमारा बनकर निकल जाएगा, तैयार हो जाएगा। दोस्तों मशीन हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसमें जो हमने डो तैयार किया था वो इसमें लगा दिया है और इसमें हमने अपना पंजाबी तड़का की डाई लगाई हुई है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं पंजाबी तड़का हमारा बनकर निकल रहा है और ये धीरे धीरे फ्राई होता रहेगा। ये एक्सट्रूडर मशीन है, इसमें एक ही मशीन से हम 15 से 20 तरह के आइटम मशीन के थ्रू बना सकते हैं, 15 से 20 तरह के इसमें आइटम बना देंगे और इसकी जो कैपेसिटी होती है 1 घंटे की 80 से 100 केजी होती है, तो ये 1 घंटे में 80 से 100 केजी हमारी नमकीन बना के तैयार कर देगी। और ये जो आप देख रहे हैं फ्रायर मशीन है, फ्रायर मशीन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक और गैस दोनों से चलता है, इसकी भी कैपेसिटी 1 घंटे में 300 से 400 केजी फ्राई करने की होती है फ्राई आइटम को, और नमकीन को 30 से 50 से 60 केजी तक ये फ्राई करेगा। ये इलेक्ट्रिक और गैस दोनों से बनता है और ये सिंगल फेज का मशीन होता है। पूरा प्लांट जो आप देख रहे हैं पूरा सिंगल फेज में हमारा सिंगल फेज का प्लांट है।
दोस्तों जैसा कि आपने देखा जो हमारा पंजाबी तड़का बन के तैयार हो चुका है, अब ये फ्राई हो रहा है फ्रायर में। ये फ्रायर हमारा इलेक्ट्रिक और गैस दोनों से चलता है, सिंगल फेस होता है ये फ्रायर, पूरा प्लांट हमारा सिंगल फेस का होता है। 80 से 100 kg इसकी कैपेसिटी होती है, घंटे में 80-100 kg तैयार कर देता है माल। और इस मशीन से हम 20 से 25 तरह के आइटम बना सकते हैं, और बाकी के आइटम जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, जैसे कि पीनट्स हो गए, मूंग दाल हो गए, इस तरह से मार्केट से लेकर फ्राई करके 100 से 150 किलो तक का हम इसमें नमकीन तैयार कर सकते हैं। अब ये पंजाबी तड़का हमारा बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो चुका है, अब इसको सीधा निकालने के लिए तैयार है ये। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल पंजाबी तड़का फ्राई हो चुका है हमारा, और ये फ्रायर से एक ही बार में सारा पलट के बाहर निकाल दिया जाएगा। फ्रायर का सबसे मेन बेनिफिट यही होता है कि इसमें एक बार में सारा आइटम निकल जाता है, और इसकी जो क्वालिटी होती है सबकी एक ही जैसी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल एक एक दाने की क्वालिटी एक ही जैसी है। इसको आप डीजल भट्टी या गैस भट्टी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डीजल भट्टी गैस भट्टी में थोड़ी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। नमकीन हमारा बाहर आ चुका है, अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं हल्का सा ऑयली है, अब इसको ड्राई करने के लिए ड्रायर मशीन में डाला जाएगा, वहाँ पे इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है सारा बाहर निकल जाएगा। जो पंजाबी तड़का हमने बनाया था जैसे कि आप देख रहे हैं, अब इसमें एक्स्ट्रा ऑयल को निकालने के लिए ड्रायर मशीन का यूज़ किया जाता है। अब इसमें इसको डाल देंगे और मशीन को ऑन कर देंगे, इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल के बाहर आ जाएगा। नमकीन को इसमें डाल दिया है और इसको स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल के जैसे कि आप देख रहे हो उधर से बाहर आ रहा है, इस तरह से निकल के सारा ऑयल हमारा बाहर आ जाएगा और हमको एक ऑयल फ्री नमकीन बिल्कुल मिलेगा। नमकीन की क्वालिटी बनाने के लिए सबसे अहम होती है ये मशीन, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको निकालने के लिए सबसे मस्त ये मशीन चाहिए हमको। अब दोस्तों हमारा पूरा ऑयल निकल के बाहर आ चुका है, इस मशीन को हम बंद कर देते हैं और अपने माल को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों जो आपने देखा हमारा ऑयल फ्री ड्रायर हो चुका है, बिल्कुल नमकीन है, अब ड्राई हो चुका है। अब इसको उठा के सीधा कोटिंग पैन मशीन में डाल देते हैं, यहाँ पे हमको जिस भी टेस्ट का इसमें फ्लेवर चढ़ाना हो वो इसमें छान देंगे और ये उसमें प्रॉपर तरीके से मसाला लगा के बिल्कुल तैयार कर देगी। जैसा कि आप मार्केट में खाते हैं उसी तरह का बिल्कुल टेस्ट इसमें लग जाएगा। अभी हमने माल इसमें डाल दिया है और अपनी कोटिंग पैन मशीन को हम स्टार्ट कर देते हैं। ये मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अब इसमें हम पंजाबी तड़का का मसाला इस फ्लेवर चढ़ा देते हैं, छान देते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसमें चन्नी में हमने मसाला डाल के रखा हुआ है पंजाबी तड़का का, अब इस मसाले को इसमें छाना जा रहा है। कुछ ही मिनटों में इसमें सारा मसाला चढ़ के प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल टेस्टी हो जाएगा। ये मसाला छान दिया है इसमें और सारा प्रोडक्ट आप देख रहे हैं सारा मसाला इसमें चढ़ चुका है, अब ये बिल्कुल तैयार है पैकिंग के लिए। दोस्तों मसाला लग चुका है, अब इस सारे प्रोडक्ट को निकाल के हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ से विंडो लगी है उसमें खोल देते हैं, सारा माल हमारा बाहर निकल जाएगा और फिर इसको उठा के हम सीधा पाउच पैकिंग मशीन में डाल देंगे, वहाँ पर ये पैकेटों में पैक होकर लड़िया भर के निकलता रहेगा। दोस्तों ये हमारी पाउच पैकिंग मशीन है, अब जो माल हमने तैयार करा था पंजाबी तड़का इसको पाउच पैकिंग मशीन के हॉपर में डाल देते हैं, वहाँ से ये सीधा पाउच में पैक होकर और लड़िया बनकर निकलता रहेगा। ये हमारी पाउच पैकिंग मशीन है, ये स्टार्ट है, ये हीट जैसे ही हो जाती है इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा और लड़िया बनकर बाहर हमारी निकलती रहेंगी ऑटोमेटिक। ये फुल्ली ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन।